हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। एंड हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज़ योर स्टडीज़ गोइंग ऑन। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छे से पढ़ रहे हैं? आपको पता लगा होगा कि 9 से अभी क्लासेस खुल चुकी हैं और आप लोगों के भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगे, तो आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। लर्निंग जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से तैयारी करिए, शुरू कर दीजिए। जितना भी चैप्टर मैंने 1 to 4 अभी कंप्लीट किया है, उसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज यू हैव टू प्रिपेयर नाउ। अच्छे से आप तैयार करिए। आपके जो इसके बाद आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा तो वो स्कूल में ही होगा, अगर स्कूल खुल जाएगा तो आप इसे तैयार करना शुरू कर दीजिए। ओके, एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेसन 5। इट्स अ पोयम लूज टूथ, रिटन बाय वेन एडवर्ड्स। ओके, गिवन ऑन पेज नंबर 39। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 39। ओके, इट्स अ पोयम लूज टूथ। टूथ मीन्स दांत, एक दांत सिंगुलर, ठीक है, और आपका प्लूरल क्या हो जाता है? टूथ, टीथ, ठीक, मेनी मेनी टूथ जब होते हैं तो वो हम टीथ कहते हैं उसको। अब आपका है यहाँ पर लूज टूथ, एक दांत जो आपका है वो क्या है? ढीला है। ढीला मीन्स हिल रहा है, ठीक है, तो हिलता हुआ दांत या ढीला दांत। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस पोयम फर्स्ट वी सी व्हाट डज दिस पोयम रिफ्लेक्ट। ओके, देख लेते हैं। डू यू हैव एनी ब्रोकन टूथ दैट इज अबाउट टू फॉल? क्या आपका कोई ऐसा दांत है जो हिल रहा हो और वो गिरने वाला हो, ठीक है? एंड हाउ डज इट मेक यू फील? अगर आपका कोई दांत बहुत बुरी तरह से हिल रहा हो और आपको वो लग रहा है कि वो टूट सकता है, तो ऐसे में आपको उस समय कैसा फील होता है, आप कैसा महसूस करते हैं उस समय? यही इस पोयम में है आपको बताया गया है। जो पोएट है वो, उसका दांत क्या है? वो ढीला, एकदम हिलता हुआ दांत है, हिल रहा है, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट वी विल रिसाइट दिस पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो फर्स्ट वी विल रिसाइट, हम पढ़ेंगे, इसके बाद आप लोग अच्छे से इसको देखिए और पढ़िए। माय बिग फ्रंट टूथ इज वेरी लूज एंड आई एम फीलिंग काइंड ऑफ ब्लू। आई लॉस्ट द वन राइट नेक्स्ट टू इट एंड नाउ आई विल सून बी मिसिंग टू। द वन हु थिंक्स इट्स सो फनी इज माय बिग ब्रदर Billy Bob. He told mom tonight for dinner that we should have corn on a cob. Wish I were a little bigger, then I would make Billy Bob feel blue. He would stop thinking it was funny. He would be missing a tooth or two.